नमस्कार, खबर फटाफट को आपनको स्वागत करुछि मु बंदिता। बात्याकु नै बड़ अपडेट, भीषण सामुद्रिक झड़र रूप नै पारे बात्या। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि, जहाँकि आसंता काली अवपात रूप नेबार आशंका अछि। दस तारीख बेलू यह अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नहीं पारे। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर बात्यार रूप नहीं पारे बोली सूचना देती पाणिपाग विभाग। प्रथम उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर बात्या। 12 तारीख बेलू दिग बदल बात्या मोका उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति कर। वर्तमान सुधा ओडिशा प्रति सेमती किसी विपद ना जमापड़ी। वर्षा पवन नहीं कौन आकलन होना, वर्तमान सुधा ओडिशा आंध्र पर वर्षा पवन सतर्कता जारी होनी। विभिन्न मडेल जहां इंगित करुच्छे बांग्लादेश म्यांमार आड़े गति कर बात्या। कर्णाटक आउ किसी समय पर सरीज प्रचार, तेज शेष दिन में भी देखा मिली हाई वोल्टेज प्रचार। बीजेपी पक्ष प्रचार सह कांग्रेस पर बर्षि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। न्यूज 18 को देखा स्वतंत्र साक्षात्कार में अमित शाह कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गाड़ी देखते से भोटर आगर जवाब देते आगक भोटर जवाब देवे शाह। झारसुगुड़ा भोट पाई प्रस्तुति, संध्या सुधा झारसुगुड़ा तांत्रिक विद्यालय डिस्पोजल सेंटर बूथ गुड़िक पहुंचे पोलिंग पार्टी। पिंक बूथ पोलिंग पार्टी आसंता बूथ में पहुंचे। 10 तारीख में भोट ग्रहण, मोट 253 बूथ में 221,070 भोटर मतदान सब्यस्त करेंगे। झारसुगुड़ा मोट पुरुष भोटर होती 110,320, महिला भोटर 110,687, तृतीय लिंगी भोटर होती 63 जन। 1012 पोलिंग और प्रिजाइडिंग पर्सन नियोजित होती, 108 जन पोलिंग पार्टी को रिजर्व रखा, 74 जन माइक्रो ऑब्जर्वर नियोजित होती। निर्वाचन मंडल में 26 पिंक बूथ रही, 106 संवेदनशील बूथ रही। समस्त बूथ वेबकास्टिंग हो 7 कंपनी सीआरपीएफ सीएपीएफ और 14 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होते, 26 ईवीएम मेसीन रिजर्व रहा। झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन आज सरुच्छ प्रचार, शेष समय बड़ रैली मीटिंग परिवर्तन छोट छोट मीटिंग करी प्रचार करी बीजेपी। बीजेपी प्रार्थी टंकधर त्रिपाठी पोलाबीरा ब्लक विभिन्न पंचायत में छोट छोट मीटिंग करी प्रचार कर। आज थम झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन प्रचार, शेष दिन में बल लगे सबु दल भोटर को मनाबाक करते शेष प्रयास। झारसुगुड़ा पौर परिषदर वार्ड नंबर 3 में बीजेडी प्रार्थी दीपाली दास घर घर बुली भोट मांगी। दीपाड़ी विधायक अनंत नारायण जेना, स्नेहांगिनी छिरीया, श्रीमयी मिश्र प्रचार में सामिल होते। शेष दिन में जी जान लगे कांग्रेस। झारसुगुड़ा म्यूनिसिपालिटी कांग्रेस पक्ष विशाल रैली कर कांग्रेस प्रार्थी तरुण पांडे विधायक सुर राउतरायों बहु नेता प्रचार कर। नाबालिकार तंटी काटिदेला युवक, अनुगुण कुइयो गांव में विभत्स हत्याकांड। घरे पशि नाबालिकार तंटी काटिदेला अभियुक्त, घटनास्थल में ही नाबालिकार मृत्यु हो जाएगी। हत्याकांड पर अभियुक्त घटनास्थल फेरार हो जाएगी। एकतरफा प्रेमर हत्याकांड सन्देह कर मिलता सूचना अनुसार एनटीपीसी रंजन बेहरा नाबालिका को भल पाते नाबालिका एथर राजी न होवारु हत्या कर अभियोग हो पुलिस घटनार तदंत कर। भुवनेश्वर नयापल्ली लेडीज हॉस्टल युवती आक्रमण घटन तीन अभियुक्त को बांधा कमिश्नरेट पुलिस गिरफ। अभियुक्त मैंने सोनू ओरफ सोनिया दास, पिंकू ओरफ शशिकांत भोई और संजय बेहरा। अभियुक्त घर नयापल्ली भोई साहिरे। आक्रमण और गंडगोल घटन जड़ित 10 जन को चिन्हट कर पुलिस। अन्य अभियुक्त धरने चढ़ाव जारी रही। गत शुक्रवार नयापल्ली स्थित एक लेडीज हॉस्टल सामने जड़े युवती निज बंधु कथा बेले टेका पथर पकड़े अभियुक्त। युवती और बंधु विरोध कर निस्तुक माड़ मार अभियोग। यह घटना पर लेडीज हॉस्टल गाइडलाइन को कड़ाकड़ी करने को पुलिस निर्देश देती। सीसीटीवी ठीक रखा सह सिक्यूरीटी गार्ड मुतयन करने हॉस्टल मालिकों को पुलिस अनुरोध कर। महिला पुलिस लेडीज हॉस्टल को जाई अंतवासी सह आलोचना कर असुविधा संपर्क में पचारि बुझे जोन 5 एसीपी संजीव शतपथी सूचना देते। पुरी में अग्निकाण्ड, खड़ीमूर्ति गोदाम में अग्निकाण्ड घटी 8 लाख टंकार संपत्ति नष्ट होता अनुमान। माटीतोटा रोड गोखा साहि छक निकट में प्राइमरी स्कूल पाख खड़ी गोदाम में अग्निकाण्ड घटे यार कारण अस्पष्ट रही। आज मध्याह्न 12 अग्निकाण्ड घटी खबर पाई अग्निशम विभाग 8 जन अग्निक घटनास्थल में पहुंची निआ को आयत्त करते। सर्ट सर्किट जो अग्निकाण्ड घटा अनुमान।
पुरी जिला काकटपुर ब्लॉक जलेश्वरपड़ा पंचायत करुण कुरुचंगा गांव में पाखुड़ी कियारी में निआ लगी हजार हजार टंकार पाखुड़ी नष्ट गतकाली अपराह्न में पाखुड़ी कियारी में निआ लगवा पर घटनास्थल में कोणार्क चंपाहार अग्निशमन विभाग पहुंच निआक आयत्त करता बेले निआ क्यों कारण लगला कि किए निआ लगता अस्पष्ट रही। पानबरजर कामरे पाखुड़ी व्यवहार होता बेले एठाकर लोक चाष करते पाखुड़ी कियारी निआ लगवा कारण हजार हजार टकर फसल नष्ट होता अभियोग होपुर रामचंडी जामु जंगल में निआ लगी जामु और काजू गछ पोड़ नष्ट जंगल में दुर्वृत्त निआ लगता अनुमान। पुरी जिला कणासा हाईस्कल 75 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल उपस्थित छात्र छात्री अभिभावक और पुरातन छात्र उद्बोधन देवा अवसर में महामहिम राज्यपाल भारत सुप्रीमपीठ कोहिनूर हीरा फेरबू कहते। यह अवसर विद्यालय शिक्षयित्री मिनती बाला सामंतरायों द्वारा रचित आम लोकप्रिय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जीवन पर आधारित पुस्तक को उन्मोचन करते महामहिम राज्यपाल। यह अवसर में 75 वर्ष पूर्ति अवसर में निर्मित स्मृति फल को राज्यपाल उद्घाटन करता बेले विद्यालय प्रतिष्ठाता और श्रेष्ठ छात्री को संबर्धित होता। संबलपुर दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष अभियोग एक भयस मेसेज भाइराल घटना को दुई जनक गंडगोल सृष्टि परवर्त समय यह संघर्ष रूप नहीं घटन दुईज आहत होता बेले पांच जन पुलिस अटक रखी गतल रात सहर कुंभारपड़ा अंचल एपरी किसी घटना पर स्थानीय अंचल में उत्तेजनामूलक परिस्थित सृष्टि होता पर घटनास्थल को पुलिस विभाग वरिष्ठ पदाधिकारी जा स्थितर समीक्षा करते। प्रथम दुई सांगों मध्य ह्वाट्सअप परस्पर को गाड़गुलज और झगड़ा पर घटना हठात बढ़ी जा दुई जनों मध्य मारपीट पर्यंत जाता एक गोष्ठी लोके संघबद्ध भाव आसे अन्य गोष्ठी युवकों आक्रमण करने घर पर पथर बाड़ करते अभियोग होती घटन दुईज आहत होता बेले पांच जन थाना अटक रखा। नयगढ़ जिला रणपुर ब्लक में एविडीओं रूम भंगा को नहीं ब्लक अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुहांमुही उपाध्यक्ष प्रभात दल बेहरा ब्लक कार्यालय मध्य निजपा एक रूम दाबी कर एविडीओं कार्यालय को जोर जबरदस्त गुंडा लगे दखल कर अन्यपटे अध्यक्ष असहयोग ब्लक में विकासमूलक कार्य होभोग आपाध्यक्ष प्रभात दल बेहरा निज समर्थक सरपंच और समिति सभ्य को धरी जिलापा द्वारा सुनते। अभियोग अनुसार रणपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष जोर जबरदस्त एविडीओ कार्यालय को निज कार्यालय एविडीओ अवसर नेवा पर विडीओ ब्लॉक चेयरमैन किंवा उपरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति में एविडीओं बोर्ड हटाई माड़ बसा घटना को विरोध करते ब्लॉक अध्यक्ष निर्मला बेहरा। अन्यपक्ष अभियोग खंडन करते उपाध्यक्ष प्रभात दल बेहरा नयगढ़ जिलापा भेट से अभियोग करते बिना कारण दलय मनोवृत्ति रखी अध्यक्ष ब्लक्र उन्नतिमूलक कार्य असहयोग विशृंखला सृष्टि करहित पदक्षेप ने जिलापा अभियोग करते उपाध्यक्ष एविडीओ कार्यालय को कब्जा करने घटनार तदंत हो नयगढ़ जिलापा। सुवर्णपुर जिला वीरमहाराजपुर को एनएससी घोषणा दाबी रे जिला आम आदमी पार्टी आंदोलन आम आदमी पार्टी सुवर्णपुर जिला सभापति सुरेश कलता नेतृत्व में वीरमहाराजपुर तहसील धाडु एक शोभायात्रा बाहरी उपजिलापा ऑफिस पर्यंत आसला उपजिलापा अशोक कुमार भूई को दावी पत्र प्रदान कर। राज्य सरकार वीरमहाराजपुर को एनएससी घोषणा नक प्रतारणा कर आंदोलनकारी एने स्थानीय बासिंदा स्थानीय विधायक को दायी करते आंदोलनकारी आसंता 15 दिन मध्य एनएससी घोषणा ना आंदोलन जोरदार कर चेतावनी दी। नौ जन अपराधी को डकायत योजना करुवा बेले काबुकला नवरंगपुर पुलिस एक पेशादार अपराधी माने विभिन्न समय जिला तथा जिला बाहर अपराधिक कार्यकलाप चलाई आसते विभिन्न थाना रही अपराधी नाम में अनेक मामला बैर रही सेने ठिकादार मिल मालिक और व्यवसायी धमक चमक दे टा मांग रास्त लुटपाट और डकायती करुवा पुलिस कही। गतकाली अपराधी नंदाहांडी ब्लॉक अंतर्गत चिलीगुड़ा गांव आंबतोटा निकट में डकायती योजना करुवा बेले पुलिस चढ़ाऊ कर नौ जन अभियुक्त को काबू करता खंडा लुहारड स्क्रू ड्राइवर सतट मोबाइल फोन और टा जबत हो सूचना देते नवरंगपुर एसपी एस सुश्री। जमीन में मुकुले कंटामाझी विधायक संतोष सिंह सालुजा पुव सेजी सिंह सालुजा गत फेब्रुआरी 1 तारीख में सेजी सिंह सालुजा निज सांगसाथी बेलपड़ा स्थित आलिशान सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल मालिकों पुव को धमक चमक देवा माड़ मारा नहीं बेलपड़ा थाना अभियोग होता अभियोग आधार कर पुलिस सेजी सिंह सालुजा समेत सात जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर।
କୋର୍ଟରେ ସେଜି ସିଂଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେଜି ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ଆଦେଶ ବଳରେ ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ଜେଲ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବିନିକା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଯୁବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି ଓ ସମସ୍ୟା ନିହିତ 30 କୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦରଖାସ୍ତ 24 କୋଟି, ସାମୂହିକ ଦରଖାସ୍ତ 6 କୋଟି ରହିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଲା ତତି। ରାଜଧାନୀରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁସାରିଛି। 31 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ 85% ଆର୍ଦ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭେଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ପୁଲିସ୍ ଗୁଳିରେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ମୃତ। 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା। ଏଲ୍ଓଏସ୍ କମାଣ୍ଡର ମାଡ଼କାମ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଏଲ୍ଓଏସ୍ କମାଣ୍ଡର ମାଡ଼କାମର ନାଁରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ଭେଜି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2 ଦିନରେ 4 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଗୋପାଳପୁର ଏକ ହୋଟେଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା ପୁଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗିରିଶ ପାର୍କ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଏବଂ ଗିରଫ 4 ଜଣ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁଖଦେବ ଦାସ, ରାଜୁ ନସ୍କର, ସୁଧୀର ବୋଷ ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁ ମଣ୍ଡଳ। ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଦିଘି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଉତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦାମନଳିଆ ଜୋର ନିକଟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଟାଙ୍ଗିଆ ଲୁହାରଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଜେଇ। 33 ସହରରେ 47 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। May 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 55,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 3 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 30 ସହରରେ 44 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଫାଇଭ୍ ଟୁ ହାଇସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 335 ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 335 ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିସି ଯୋଗେ ଏହି ସବୁ ସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପଣ ଚାଲିଛି। କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାର 335 ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିସି ଜରିଆରେ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲର 5 ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇସାରିଛି ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଫଳତାର ଜୀବନରେ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବି। ଆମର ଏହି 5 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଏକ ବିଜନେସ୍ ଓମେନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ନା ଏଟା କୌଣସି ମହାନଗରୀର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲର ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ସେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି।
मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान रूपांतरित होता स्कूल गुड़िकर लोकार्पण चली चारि जिला 335 स्कूल रूपांतरण स्कूल लोकार्पण कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रत्येक पर्यायर पिलामानकर किपर ज्ञान आधुनिक ज्ञानकौशल से शिक्षालाभ करेंगे से नहीं विशेष व्यवस्था कर 5T रूपांतरण स्कूल मानक तृतीय पर्यायर 335 स्कूल रूपांतरण होती कि चारि जिला कलाहांडी कटक मलकानगि जाजपुर ए चारि जिलार 335 रूपांतरित स्कूल लोकार्पण कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री द्वारा भिसी जरिया लोकार्पण एवं विशेष भाव में 5T कार्यक्रम अधीन पिला किपरि स्मार्ट क्लासरूम से डिजिटल बोर्ड मध्यम आधुनिक ज्ञानकौशल व्यवहार कर सेमाने पाठ पढ़ी पारे ताऊपर फोकस करा जाई छी जेमिति अन्य पिलामाने पाठ पढ़ुछंती जेमिति इंग्लिश मीडियम पिलामाने पाठ पढ़ुछंती सेमिति सरकारी स्कूल ला पिलामाने प्राइवेट स्कूल व्यतिरक सेमाने सरकारी स्कूल रे मध्य उच्च कोटर शिक्षा पाई पारे बोली आशा करा जाउछि वर्तमान 5T रूपांतरण स्कूल मानक ठारु एवं एक क्रम रे तृतीय पर्यायर 335 स्कूल रूपांतरण होईछि चार जिला पई भुवनेश्वर भिसी जोगे 335 रूपांतरण स्कूल लोकार्पण करुछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो चार जिला कटक कलाहांडी मलकानगिरी और जाजपुर ए चार जिलार 335 रूपांतरित 5T स्कूल लोकार्पण हो विज्ञान गारे कुनि कुनि वैज्ञानिक सृष्टि करिछि 5T पाठपढ़ा व्यतिरेक मानते खेलकूद आो करिकुला आक्टिविटीज व्यवस्था रही पिला बौद्धिक शारीरिक मानसिक विकास आज सब प्रकार सुविधा हम पाखे रही स्वास्थ्य परिमल व्यवस्था आम स्कूल पीवा पानी ठार आरंभ कर टॉयलेट पर्यंत समस्त प्रकार सुविधा सरकार जोगे देछन्ति आम विद्यालय परिवेश अत्यंत सुंदर देखा जाउछि तेणु एठाकु आसी एठारु फेरिबाकु मध्ये इच्छा हो नै अति मनमुग्धकर परिवेश जो परिवेश रे पिला मानकर मन मुग्ध हबो स्कूल तार निजस्व जमीपटा पाइसरिछि स्कूल रो मालिक स्कूल निजे स्कूल रो रोड को एते सुविधा करा जाइछि जे आसीबाकु कोनोसे असुविधा होइ नै विद्युत शुल्क एवं इंटरनेट रो शुल्क ओडिसा सरकार वहन करूछन्ति तृणमूल स्तर विकास मूल द्वार स्थापन प्रयास श्रीजुक्त मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन आम स्कूल को 5T रूपांतरण करवर मुख्यमंत्री और 5T सचिव को अशेष अशेष धन्यवाद फाइव टी हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन आज कटक जिल्लार मोट 98 स्कूल को लोकार्पित करा